और मैंने तोरी ली है आधा किलो और ये इसको मैंने अच्छे से धो के और इसको पोंछ लिया है। ये कुछ इस तरह से होती है, इसमें धारी बनी हुई होती है। इसको हमने डंडी ऊपर की काट देनी है और नीचे से भी काट देनी है इसको, और इसके मोटे छिलके उतारने हैं ताकि इसके साथ थोड़ी सी तोरी भी आए और छिलका भी रहे साथ में। इस तरीके से मोटे मोटे इसके छिलके हमें उतारने हैं। अच्छे से मैंने इसको 17 से मोटे मोटे छिलके इसके उतार लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा सा कट करके इसको चख के देख लेंगे। कई बार तोरी ये वाली जो है कड़वी होती है, तो इसको आप चख के देख लें। और इसके मोटे छिलके मैंने इसलिए उतारे थे क्योंकि हम इसके छिलकों की भी सब्जी बनाएंगे। आज आपको बताएंगे कि किस तरह से इसके छिलकों की सब्जी बनती है। अब इसको बीच से हम एक कट लगा लेंगे इस तरीके से, और इसके बड़े बड़े टुकड़े कट कर लेंगे इस तरीके से। सारे छिलके मैंने उतार लिए हैं तुरई के ऊपर से। अब इसको हम कट करेंगे इस तरीके से, आप लगा लें 3-4 और इसको कट करें इस तरीके से। सबको कट कर लें। अब कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें डालेंगे रिफाइंड 3-4 चम्मच, और 2 बड़ी प्याज को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है उसको इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी ज़्यादा डाल देंगे। मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे, मैं इसमें 1/2 चम्मच मिर्च डाल रही हूँ। और डालेंगे 1 चम्मच धनिया पिसा हुआ, इसको भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसालों को भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, इसमें डालेंगे तुरइयां, इसको मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे पानी, पानी इसमें थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि तोरी में अपना पानी होता है, वो भी निकलता है। अब डालेंगे इसमें नमक अपने टेस्ट के अनुसार, मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाला है। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए और फिर चेक करेंगे। अब इसको खोल के चेक करेंगे कि तुरइयां हमारी गल गई हैं या नहीं। ये अच्छे से गल चुकी हैं। अब इसका ढक्कन हम बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने देंगे और गैस को बंद कर देंगे। अब हम बनाएंगे छिलकों की सब्जी। उसके लिए हमने एक पैन को गर्म किया है और उसमें डालेंगे सरसों का तेल 2-3 चम्मच और 2 छोटी प्याज दी हैं। इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, इसको इसमें फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, अब इसको हम निकाल लेंगे। अब उसी तेल में हम डालेंगे 1 पिंच ऑफ हींग और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे उसमें पानी। अब ऐड कर देंगे अपने छिलके जो हमने उसको टुकड़ों में कट कर लिया था। इसमें मिर्च मसाले हमें कुछ ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं होती है, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक थोड़ा हल्का ही रखना है हमें, जब हम हल्की सब्जियाँ बनाते हैं तो उसमें नमक थोड़ा हल्का ही रखते हैं क्योंकि सब्जी में अपनी मिठास होती है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी जितना हमने शुरू में डाला था उतना ही डालना है, और पानी हमें इसका नहीं डालना है। अब इसका लिड लगाकर 5 मिनट के लिए हम इसको बंद कर देंगे और गैस को सिम कर देंगे। मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है और उसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच जीरा
और इसको अच्छे से क्रैक कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। ये जो हमने जीरा भुना है इसको हम तुरइयों में डाल देंगे ऊपर से। हम इसको ऊपर से इसलिए डालते हैं ताकि ये ऊपर तैरता रहे और डेकोरेशन भी हो जाए इससे। अगर हम इसको पहले यूज़ करते तो ये नीचे बैठ जाता और हमारी सब्जी सुंदर नहीं लगती। साथ ही इसमें डालेंगे एक चुटकी गर्म मसाला और सर्व करेंगे। अब इसको चेक करेंगे कितना पानी इसने छोड़ दिया है। पानी हमने बिल्कुल थोड़ा सा डाला था मसाला भूनने के लिए। इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और इसको एक बार और हम लेट लगा के रखेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसको चेक कर लेंगे कि ये गल गई है सब्जी या नहीं। ये गल चुकी है। अब इसका हम जो पानी है इसमें दिख रहा है उसको हम सुखा लेंगे। गैस को तेज कर देंगे और इसको हिलाते रहेंगे, लगातार चलाते रहेंगे तो इसका पानी सारा सूख जाएगा। इस तरीके से इसको अच्छे से मैंने चला लिया है। आप देखेंगे कि इसका सारा पानी सूख चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्याज भुनी थी उसको और साथ ही डालेंगे एक चुटकी इसमें गर्म मसाला। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे।